हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आप सभी का ये नया साल आशीषों से भरा हो, प्रॉस्पेरिटी से भरा हो। और ये नज़ारा आपको हम मनाली का दिखा रहे हैं जो स्नोफॉल के बाद का है। काफ़ी लोग हमसे कह रहे थे कि भैया स्नोफॉल कब होगी मनाली में, या आप नए साल में आए हैं और नए साल में भी अगर आपको स्नोफॉल देखने के लिए नहीं मिली है तो कौन सी डेट्स में स्नोफॉल मिलेगी। ये सारी डिटेल आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। पिछले 29 और 30 दिसंबर को बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है यहाँ मनाली में भी और शिमला में भी, लेकिन जितने भी लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए मनाली आए थे उन्हें निराशा के साथ वापस जाना पड़ा क्योंकि उन दिनों में इतनी स्नोफॉल नहीं देखने को मिली। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय मौसम अभी खुला हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है IMD के अलर्ट के द्वारा बताया गया है कि 7th और 8th ऑफ जनवरी को आपको भारी स्नोफॉल देखने को मनाली में मिल सकता है। आपको बता दें कि मनाली आना इस समय बहुत ही रश से भरा हुआ है क्योंकि आप देख सकते हैं न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि कोविड के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं और अटल टनल में इतना भयंकर जाम लग रहा है। एक दिन में 12,000 गाड़ियां वहां से निकल रही है, आवागमन हो रहा है। तो आप यहां पर आना चाह रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर आइए क्योंकि कोविड के केसेस भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और कब नई गाइडलाइन आ सकती है ये कहा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो 4x4 कार ही लेकर आइए क्योंकि अगर आपको स्नोफॉल में अगर आपको कार ड्राइव करने का एक्सपीरियंस नहीं है तो बिल्कुल भी आप रिक्स ना मत लीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कार जो है इस समय फंस जा रही है जाम में और बहुत सारी कार यहाँ पर स्लिप हो रही है और पिछले दिनों में बहुत सारी कारों का एक्सीडेंट भी हुआ है। तो आप बहुत ही सतर्कता के साथ अगर आप यहाँ आते तो आइए। तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम पल पल की अपडेट आपको ऐसे ही देते रहेंगे। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.